मालूम होगा कि कल यानी कि 27 जुलाई को श्रीमती बी अनसुईया जो कि डीडी कॉलोनी अंबरपेट में रहती हैं और मंदिर से दर्शन करने के बाद जब वापस घर जा रही थी तो बाइक पर दो लोग आकर उनका चेन स्नैचिंग किए। इमीडिएटली डायल 100 के द्वारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आया और हमारे एडिशनल डीसीपी गोविंद रेड्डी और उनके पूरे टीम एसीपी एसएचओ और पूरे टीम और साथ में दूसरे स्टेशन के टीम भी सपोर्ट करके अंदर ये केस डिटेक्ट हुआ। तीनों अक्यूज अरेस्ट हुए और गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ। जो तीन लोग अरेस्ट हुए उनका डिस्क्रिप्शन है, एक हर्षा जोशी है जो काचीगुड़ा रेलवे के पास रहते हैं, दूसरा पी मनोज कुमार सन ऑफ पी बालैया, ये काचीगुड़ा क्रॉस रोड के पास रहते हैं और ओरिजिनल सिद्धिपेट के रहने वाले हैं, और तीसरा ठाकुर अश्विन सिंह सन ऑफ ठाकुर प्रीतम सिंह, ये एसी टेक्नीशियन का काम करते हैं और सुल्तान बाजार में रहते हैं। ये लोग को आज काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट किया गया। स्नैचिंग हैदराबाद में पहले से बहुत कम हो गया है और आज की तारीख में हैदराबाद सिटी पुलिस का टॉप प्रायोरिटी है कि इस तरह के क्राइम को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखना और पब्लिक के कोऑपरेशन से, मीडिया के कोऑपरेशन से विद इन 12 आवर्स हम लोग इस तरह के केस को डिटेक्ट करते रहेंगे। इसमें मीडिया से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का वीडियो फुटेज को वो टीवी पर नहीं दिखाएं। ये एक कोर्ट के समक्ष एक एविडेंस है और इससे इन्वेस्टिगेशन भी डिस्टर्ब होता है, तो मीडिया से भी हमारा अपील है कि इस तरह का अगर कोई क्राइम होता है आगे उसको मीडिया पे आप नहीं दिखाएं। और ऐसे मौके पे आप लोग की तरफ से मीडिया की तरफ से जो यंग बॉयज हैं हमारे, उनको हम कहना चाहते हैं कि लाइफ में इस तरह का क्राइम करने से गारंटी है जेल। पुलिस के पास जो टेक्नोलॉजी है, पुलिस के पास जो मॉडर्न मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके तहत आप पुलिस से बचकर नहीं जा सकते। एक दिन लगे, दो दिन लगे, दस दिन लगे, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि जो भी क्रिमिनल है वो जरूर पकड़े जाएंगे। और उसके बाद एक बार आप जेल चले गए, सजा हो गया, तो आपको लाइफ लॉन्ग वीजा नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो ऐसे इस तरीके के क्राइम करने से आप अपना कंप्लीट लाइफ खराब कर रहे हैं। तो खास करके जो यंग बॉयज हैं उनको मैं कहूंगा कि हम लोग जो नए जनरेशन है वो लोग बहुत लकी हैं। आज की तारीख में तेलंगाना स्टेट में और हैदराबाद में दुनिया की हर बड़ी कंपनी आ रही है और बड़ी से बड़ी कंपनी का की तरफ से जॉब क्रिएशन हो रहा है। एक टैक्सी ड्राइवर को भी आज 15,000 से 20,000 रुपए का तनख्वाह मिलता है। तो मेहनत करें, मेहनत करके अपना सैलरी लें और उससे जिंदगी खुशी से गुजारें। गलत काम करके, क्राइम करके अगर शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहेंगे तो आज न कल आप जरूर पकड़े जाएंगे और आप तो जेल जाएंगे ही, आपके पीछे आपके पूरे फैमिली मेंबर सब परेशान और दुखी होंगे। आज की तारीख में जो पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है, जो कोऑर्डिनेशन का एफर्ट है, कोई क्रिमिनल नहीं बच सकता है। और इसीलिए पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स को, दोस्तों को, सभी को मैं कहता हूं कि थोड़ा सभी को समझाएं कि जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है। तो ये इतना अच्छा काम जो हमारा आज सिटी पुलिस में हुआ उसमें हमारे सिटी पुलिस के तरफ से कांस्टेबल ऑफिसर अमरनाथ, सत्तैया, एस नायडू, एन अशोक, डीआई नानू नायक, फिर सैदुल